मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुश पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज अपनी बुक ओपन करिए, चैप्टर निकालिए, चैप्टर 6 मुंबई। आज हम मुंबई के बारे में जानेंगे। ओके, तो सारे बच्चे अपने चैप्टर को ओपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंबई। ठीक है, यह है आपका चैप्टर, मुंबई की हिस्ट्री, मुंबई के बारे में। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल है। ओके, राजधानी है। इट वॉज द ईयरलियर कॉल्ड बॉम्बे। ठीक है, ये जो है आपका ये शहर, ये इसे पहले बॉम्बे कहा जाता था। द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये शहर भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के सामने स्थित है। ओके, फेसिंग द अरेबियन सी। टूडे मुंबई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द इंडिया एंड आल्सो हैज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट। ठीक है, तो ये आज जो है मुंबई भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है और सबसे व्यस्त क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, सबसे व्यस्त जो है बंदरगाह है। अब बात करते हैं आप हिस्ट्री की, मुंबई की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो क्या है हिस्ट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, मुंबई वाज अ ग्रुप ऑफ 7 फिशिंग आइलैंड वेयर कोली फिशरमैन लिव्ड। मुंबई मछली पकड़ने के 7 द्वीपों का एक समूह था जहाँ जो था कोली मछुआरे रहते थे। देयर पाड्रॉन गोडनेस वाज मुंबा देवी। वहाँ पर जो था आपके, जहाँ उनकी संरक्षक जो थी देवी, मुंबा देवी थी। तो मुंबई जो था आपका, द नेम मुंबई इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडनेस। मुंबई इन्हीं देवी के नाम से, जो संरक्षक देवी जो थी आपके, मुंबई नाम इन्हीं देवी के नाम से लिया जाता था। फिर है आपका, द ब्रिटिश कनेक्टेड दीज आइलैंड विद वन अनदर द डेवलप द सिटी ऑफ मुंबई। फिर मुंबई में अंग्रेज़ों ने इन द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ा और मुंबई शहर का विकास किया। इट इज़ द नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। इन्होंने ये अब भारत में जो है मुंबई व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अब है आपका क्लाइमेट, मुंबई की जो जलवायु है वो क्या है। तो मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ मॉडरेट। ठीक है, तो मुंबई की जलवायु जो है वो मध्यम है। इट इज़ अ नाइदर हॉट इन समर सीजन और कोल्ड इन विंटर सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्दी के मौसम में सर्दी और गर्मी के मौसम में गर्मी, ना तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, दिस इज़ द ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द अरेबियन सी। क्योंकि ये जो है अरब एस की, इसकी निकटता के कारण, अरब एस जो सी समुद्र है जो उसके पास में है, इसीलिए द सिटी गेट्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। तो इस शहर में जो है जून में, जुलाई में और अगस्त में, इन महीनों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पिक्चर्स दी हुई है, ये मुंबई की लोकेशन ऑफ मुंबई। ठीक है बच्चों, तो ये था आज आपका यहाँ तक का। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। अब आप लोग होमवर्क नोट करिए। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, टिक द करेक्ट। तो आपको ये टिक द करेक्ट करने हैं अपनी बुक में। मुंबई इज़ द लोकेटेड ऑन इज कॉस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका बेस्ट। क्या है बच्चों, बेस्ट। मुंबई सिटी फेसिस द अरेबियन सी। ठीक है, और फिर द एलिफेंटा कैप्स ऑफ द फेमस फॉर सी, ए वाला है आपका। इसके बाद में है आपका, मुंबई हाई इज़ वेल नाउ फॉर फिल्म इंडस्ट्री। ओके, ये आएगा आपका फिल्म इंडस्ट्री। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन मुंबई इज़, तो द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल आपके मुंबई में 2 होते हैं, दिवाली और गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सिर्फ गणेश चतुर्थी है, तो आप यहाँ पे गणेश चतुर्थी करेंगे। ठीक है, अब आपको ये वर्क करना है अपनी बुक में। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक को नहीं लिया है वो बुक को जल्द से जल्द परचेज करेंगे और अपने काम को कम्प्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।